मेहमान हैं मिस्टर एंड मिसेज गुलाम हुसैन, और ये 10 साल बाद हमारे पास आए हैं। ये पेशेंट हमारे मेहमान हैं और इनकी बेटी माशाल्लाह कॉन्सेप्ट बेबी है और 10 साल की हो गई है। तो आपसे मिलाने का मकसद ये था कि अगर आपके जहन में कोई सवाल आते हैं, इनसे कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं, जो भी आपके जहन में कोई सवाल है इनसे आप पूछ सकते हैं। आप थोड़ा सा एक तारुफ करा के इनको थोड़ा सा बता दें। मेरा नाम गुलाम हुसैन है। हमारी शादी 2006 के दिसंबर में हुई थी और उसके बाद ही एक साल के बाद कुछ प्रॉब्लम्स इनको, मेरी वाइफ को थे एंडोमेट्रियोसिस और उसके हवाले से, जिसके फिर इनकी ट्रीटमेंट हुई और उसके बाद फिर इनके जो है वो कंसेप्शन का मसला था कि कंसीव कर नहीं रही थी। तो हमने मुख्तलिफ डॉक्टर्स को दिखाया एंड फिर किसी ने हमें मशवरा दिया कि आप कॉन्सेप्ट चले जाएँ, वहाँ जाके एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें और मशवरा करें। यहाँ आए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं, हमें मिले, अच्छे तरीके से गाइड किया, पूरा प्रोसीजर समझाया, एथिकली हमें बताया गया कि जी आप ही का बच्चा है, आप ही के एग्स और जो सब कुछ है एम्ब्रियोज वो आप ही के होंगे, क्योंकि इनका ट्यूब्स उस बीमारी की वजह से ट्यूब्स में मसला आया था, तो और कोई ऑप्शन ऐसा बचा नहीं था। तो इन वी ऑप्टेड फॉर इट। हम लोग जैसा यहाँ से हमें मशवरा डॉक्टर लोगों ने दिया, हम लोग उसी तरह करते गए, ट्रीटमेंट हुआ और मेरा ख़्याल है कि एक महीना या दो महीने की ट्रीटमेंट के बाद ही हमें जो है वो अच्छी न्यूज़ मिली कि ये प्रेग्नेंट हो गई और फिर हमें उसी के बाद ये बेबी है सोहा। तो हमारी लाइफ बिल्कुल बदल गई और ये हमारी शादी के 4 साल के बाद एक्चुअली ये हुआ। तो 4 साल तक हम बिना उसके थे और काफ़ी इस दौरान हमने डॉक्टर्स को दिखाया था, तो कोई डॉक्टर कोई कहानी, कोई डॉक्टर कोई दवाई और बहुत सारे उन्होंने हमें तरीके बताए, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं कि कोई लूटने वाली बात हो, बहुत सीधा सीधा एक जो इलाज बताया गया उसी का हमने ट्रीटमेंट फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची हुई। अच्छा, ऑप्शन होता है कि आप बच्ची या बच्चा ऑप्ट करें, ये भी एक टेस्ट होता है जो यहाँ हमें बताया गया था, लेकिन जब आपके पास औलाद ही ना हो तो फिर बेटी भी समझेंगे वो एक बड़ी नेमत है। तो हमने तो सोचा कि जो होता है ठीक है जी, अल्लाह की मर्ज़ी और आप बस ट्रीटमेंट अपने हिसाब से करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी बदल गई, आज बेटी है हमारे साथ और 10 साल की हो गई है माशाल्लाह और हमारे घर की समझ लें जान है। तो यही है, आप लोगों को कुछ अगर है जहन में तो आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। खर्चा उस ज़माने में मेरा ख्याल है कि 2.5 लाख रुपए के करीब था या 2 लाख के करीब, 2 या 2.5 लाख लगे थे। 2010 की बात है, 10 ईयर्स पहले की बात है। तो तब 2 महीने, ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 महीने। वो उसी दौरान क्योंकि वो डिसाइड डॉक्टर ने करना था, वो एक दो विजिट में ही डिसाइड कर लिया कि आपको इस प्रोसीजर पे जाना है और वो हमें बस सिर्फ हमें हाँ करना था और फिर इलाज शुरू हो गया। वो इलाज 1 महीने का होता है और उसके बाद फिर वो आपको इंतज़ार करना होता है कि आप प्रेग्नेंट हुए या नहीं हुए, तो वो बताना होता है। वो बस एक न्यूज़ होती है, वो आपको अगर वो मतलब 15 डेज़ के वेट के बाद, तो 1.5 महीना 2 महीना इतना ही इलाज था। जी जी डॉक्टर सादिया पॉल और सारी डॉक्टर इनके माशाल्लाह काबिल हैं, तो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है डॉक्टर जी, बिल्कुल अच्छा, होता क्या है कि ये जो डॉक्टर्स हैं एक्चुअली वो तो कंसल्टेंट हैं आपके जो अपनी जगह है, लेकिन बाकी जो इलाज है मैं समझता हूँ कि इनका पूरा ही स्टाफ, वो आप किसी भी डॉक्टर को ऑप्ट करें, जो स्टाफ है फिर उस पर बहुत डिपेंड करता है। आपके टाइम पे इंजेक्शन हैं वो आपके मायने रखते हैं, आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है कि उसी टाइम उस वक्त पे आपको वो इंजेक्शन के लिए भी आना है, वो उसको अपने हिसाब से आपने बेड रेस्ट बोलते हैं तो वो रेस्ट करना है वो किस, तो बाकी पूरा ही स्टाफ जो है वो इन्वॉल्व होता है, उनके पूरे स्टाफ के ऊपर ही वो जो ट्रांसफ़र तक का प्रोसीजर है वो पूरे स्टाफ को मिला के बनता है। एंड्रायोलॉजिस्ट हैं इनके, मुख्तलिफ और लोग हैं, सिर्फ एक डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, काबिल हैं सारी।
अच्छा, तो अल्लाह करे कि आपको भाई अच्छी न्यूज़ मिले, और दूर से आए इतना तो सुन के आए होंगे कुछ, और बहुत एथिकल लोग हैं। अच्छा, मेरे कज़न की भी एक ये परेशानी थी, उनको मैंने इलाज नहीं जब तक करवाया था तो उनके भी औलाद नहीं होती थी, तो मेरी कज़न है उनको नहीं हो रही थी, और जब तक ये हो नहीं गई, अच्छा ये खड़ी है अभी यहाँ पे मेरी बेटी, तो जब ये पैदा हुई थी तो हूबहू ये अपनी माँ की शक्ल है, तो ये जब पैदा हुई थी तो फिर वो उसको ये बड़े डाउट्स थे कि पता नहीं किसका बच्चा होता है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। जब वो इसको छोटे में देखा था ना तो वो राज़ी हुआ, वो बड़े स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, एंड देन उन लोगों ने फिर यहाँ पे आके उन्होंने भी ट्रीटमेंट करवाया हमारी वजह से, और उनको अब उनको उसी के बाद इसके साल डेढ़ के बाद फिर उनको बेटा हुआ था, तो एक ही ऐसे उसको बेटा हो गया था और कामयाब हुआ था, वरना वो उनको औलाद नहीं थी और वो सोच भी नहीं रहे थे कि इस तरह की चीज़ कोई होगी, लेकिन आज उनका बेटा है, बड़ा ब्राइट है, तो वो औलाद हो गई उनको, एक एक, एक अच्छी बात हुई कि उनके घर में अब औलाद है, और उसके बाद उनको फिर बच्चा नहीं हुआ, लेकिन वो एक औलाद तो है ना कम, तो ये सोच भी है कि लोगों की कि पता नहीं क्या होता है, किसका बच्चा होता है, जो सही है गलत है, भाई आप ही का बच्चा होता है, आप ही की शक्ल होता है, आप ही के जीन्स होते हैं, और जाहिर है कि अगर वो कोई नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा तो ये इलाज है, एडवांस है, साइंस है, और आप ही का बच्चा हो जाता है। ये बस अच्छा ये है कि आप सक्सेस स्टोरी, लोग सक्सेस के लिए ये सोचते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो हमें यहाँ डॉक्टर से हम भी ये सवाल करते थे शुरू में कि होगा कि नहीं होगा, भाई होगा या नहीं होगा वो तो अल्लाह की बात है कि होगा नहीं होगा, लेकिन जब शादी करते हैं लोग तो शादी के बाद भी तो कई सालों तक किसी को नहीं होता, अब वो तो उससे अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ तो आप एक ही दफ़ा इलाज करवा रहे हैं, उसमें तो अब बहुत ही बड़ा वो है ना फैक्टर कि आपका होगा या नहीं होगा तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हो जाता है, क्योंकि ये यूट्रस तक आपके एम्ब्रियो को जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर इक्सी में तो हो सकता है कि वो मतलब ज़्यादा चांसेस हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर गुलाम हुसैन और मिसेज एंड सोहा बेटा, बहुत शुक्रिया आपका।